फ्रेंड्स, ये नारगढ़ मेन, और देखिए क्या मस्त भी आ रहा है। बादल जानी द्रब जल डोल द्रमी कत काज डोल द्रमी कत बीजों चढ़ा रखा हुई रही बीजा जा रखा बीजा। हे फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और एक नया दिन, एक नई सुबह और एक नई जर्नी। और आज हम देखने जा रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट, जो कि जयपुर में स्थित है। और नाहरगढ़ फोर्ट को रानियों का महल भी बोला जाता है, क्योंकि जो राजा की 9 रानियां थीं उनके लिए स्पेशल फैसिलिटी दी गई थी, और इसीलिए इसको रानियों का महल भी बोला जाता है। ये मेरा जयपुर ट्रिप चल रहा है और मैंने काफ़ी सारे पहले वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें चौकीदानी, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट और कुछ खाने के वीडियो, जैसे मोटू राम और रामचंद कुल्फी वाला, और भी काफ़ी सारे प्लेसेज मैंने कवर किए हैं। तो वन बाय वन करके मैं उसका लिंक आई बटन में, जो कि ऊपर है राइट हैंड साइड में आपको दिखेगा, देता जाऊँगा, और आप उसमें मेरे पुराने वाले वीडियो जो भी हैं वो सब देख सकते हैं, और बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है उसमें, तो वो सब ले सकते हैं। ये हम पहुंच गए हैं नाहरगढ़ फोर्ट, और यहाँ पे एंट्री टिकट है, लेकिन टू व्हीलर के लिए बहुत कम है और फोर व्हीलर के लिए 10 times हाई है, जिसका मतलब है टू व्हीलर के लिए 10 rupees और फोर व्हीलर के लिए है 100 rupees। तो टू व्हीलर का ये भी एक फ़ायदा है। चलिए देखते हैं आगे नाहरगढ़ फोर्ट। और फ्रेंड्स, अभी हम नाहरगढ़ फोर्ट आ गए हैं, तो ये एक्चुअली नाहरगढ़ फोर्ट का मेन एरिया है। यहाँ पर पार्किंग वगैरह करते हैं और यहाँ पे हम थोड़ा चाय पानी नाश्ता कर रहे हैं। कुल्लड़ की चाय आपको और कहीं नहीं मिलेगी, यहीं मिलेगी, तो इतनी ज़बरदस्त। ये पीछे दुकान है, मुझे लगा ऐसे ही देंगे, थोड़ा कॉस्टली है 25 rupees का, बट होटल से बेटर है। हमने अभी जयगढ़ देखा था, जयगढ़ में एक रेस्टोरेंट है, उसका रेट काफ़ी ज़्यादा था, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, जब भी आप कोई भी फोर्ट या कहीं भी जाएं, आप ऐसी लोकल चीज़ें, जो तो देसी चीज़ें हैं वो ट्राई करिए। जैसे देखिए, हमने ये लिया है ये और ये दाल मोट, देसी चीज़ें, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो ये काफ़ी हेल्दी चीज़ें हैं, और जिससे कोई नुकसान नहीं होगा। आप सुबह का, जैसे आप ट्रिप कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग और आप थके हुए हैं, और इससे एनर्जी मिलेगा फुल। आप कहीं फालतू में चाउमीन या इस तरह के होटल में कुछ भी चीज़ें खाएं, उससे इस तरह की लोकल चीज़ें, और ये काफ़ी चीप भी रहती हैं और अच्छी भी, हेल्दी भी रहती हैं। लोग इसको इग्नोर मारते हैं, होटल में जाके वो 200 rupees का पाव भाजी, 400 rupees का कुछ डोसा चाउमीन ये करते हैं, और हेल्दी चीज़ें खाएं जिससे आपको एनर्जी मिलेगी, आपको चढ़ाई करने में, फोर्ट वोट घूमने में मज़ा भी आएगा, तो इसलिए प्लीज़ मस्ट ट्राई देम। और उनको भी आप परिये देखिए, मिस्टर मैम ने ये पापड़ लिया है जो खींचा बोलते हैं, तो इतना मस्त लगता है, ज़बरदस्त लगता है, खाते जाओ चलते जाओ। तो ये चीज़ें देसी चीज़ें और अच्छी चीज़ें हैं। चलिए आपको आगे से दिखाते हैं फिर कैसा लगता है अपना।
फ्रेंड्स, ये नाहरगढ़ मेन, और देखिए क्या मस्त भी आ रहा है। नाहरगढ़ का किला रानियों के लिए, स्पेशली रानियों के लिए बनवाया था सर्दियों में और गर्मियों में। वो लोग यहाँ आते हैं, एंजॉय करते हैं। ये लोगों ने बताया माधवी भवन एक और दो और तीसरा वो बेटा है, और ऐसे ही यहाँ पर है 5, 6 और ये वाला एक पेट 7 और 2 हिडन है। दोनों वो ये बताएंगे। आज थोड़ा सर्दी ज्यादा है तो इस वजह से दिया है, मैंने दोनों ने टोपा लगा रखा है। ये क्या है? बंद कर देते हैं, बंद करना है, जरूर बंद करते हैं। मैं फैन के लिए अच्छा कि ये जो बाथरूम चल रहा है ये सर्दी का है, ऊपर चले तो वो गर्मी का है, ऊपर वो नीचे एक गाने का बाथरूम है, ऐसे जैसे आपको खुली में वो पार्टी मिलती है। तो देखो ना, देखो बाथरूम नीचे सर्दी का, ऊपर गर्मी का। एक मिनट, सामने चूल्हा होता है, ऊपर में दो चम्मच लग रही है, एक एक चीज देखो कैसी समझी। चूल्हा है, अच्छा यहाँ चूल्हा, और इसमें ऊपर चिमनी है जैसे ये बता रहे हैं। ये रही ये वाली, ये साइड में, और ऐसे ही सारी दो रानियों के लिए। और ये क्या है भैया? ये कोई भी आइटम है। हाँ, कोई भी आइटम है। अच्छा, ये दासियों के लिए। हाँ, तो वो जो पिलर में जाने दिख रही है वहां से धुआं निकल जाता है। ओके, फ्रेंड्स, जब आप नाहरगढ़ के फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे तो आपको पीछे से कुछ ग्लास से रायट कलर का रोशनी आता दिखाई देगा, ये वाली जगह। यहाँ पे आप पिक्स खींचेंगे तो बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा पिक्स आएगा, और 2 पिक्स आएगा एक का, तो ये जरूर करें। और ये महल है पीछे वाला, ये आप देख सकते हैं, गुप्त महल बोल रहे हैं ये, और ये पूरा एरिया गुप्त महल वाला है, और सेम ऐसा ही पीछे भी है पटरानी का, और ये नीचे जो हम आए थे यहाँ से वो है सीढ़िया, आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब हम आ चुके थे टॉप पे, क्योंकि यहाँ से पूरा सिटी का व्यू दिखाई देता है और सारे लोग यहीं पे आते हैं पूरा सिटी का व्यू लेने। और ये लोकेशन में जो छतरियाँ हैं जिनको हम छतरी बोलते हैं, और इतना प्यारा व्यू आता है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के शॉट्स भी आप ले सकते हैं। और बाकी का जो सिटी का व्यू है
वो तो अपने आप में एक जादू है ही। और जब मैं यहाँ पे गया तो काफ़ी सनशाइन था और सर्दी भी थी, तो एक अलग ही आनंद आ रहा था, क्योंकि सर्दी भी थी और सूरज की रोशनी, तो मज़ा दोगुना हो गया। आप भी जब जाएं तो सर्दियों में जाएं, जैसे मैं हमेशा बोलता आता हूँ, पूरा लुफ्त उठाएं, वहाँ पे टाइम दें और कम से कम 3 से 4 घंटे आपको नाहरगढ़ फोर्ट घूमने में लगेंगे। और आज के इस वीडियो में इतना ही, और आप मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कमेंट्स में अपनी राय मुझे ज़रूर दें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। टिल देन बाय। बादल जा।